और अब खबर खटीमा से है, जहां मेलाघाट क्षेत्र से लगी भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे किया। इस दौरान वन विभाग, स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सर्वे के दौरान पोल्ट्री फार्म की खतौनी दर्ज पाई गई, जिसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि सीमा क्षेत्र में नोमैंस लैंड 0 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य किया गया है। फार्म बनाया यहाँ पे, पहले मड़ैया थी, इसको हमने फिर तोड़ा, अपने पालन के लिए हमने मुर्गी पालन के लिए बनाया है। रह भी रहे हैं और मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, जानवर भी पालते हैं। नौकरी चाकरी तो नौकरी है नहीं कोई, तो इसी के लिए हमने पालन किया। तो इस पर अब जंगलात के लोग आके हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि इसमें बच्चे पले हुए हैं, इसको हटाओ तोड़ो करके हमें दबाया जा रहा है। और हमें अकेला पाकर गांव से थोड़ा दूर है करके बनवोलिया गांव क्षेत्र में ही आता है, तो हमें दबाया जा रहा है और हमें बार बार समय दिया जा रहा है कि कल आके हम तोड़फोड़ करेंगे। और इसमें मुर्गी के बच्चे लगभग करीब 15 दिन के हो गए हैं, और हमने समय भी मांगा उनसे कि 40 दिन का समय दीजिए हमें, इसके बाद फिर जो आप कार्रवाई होगी करिए, और जब तक के लिए हमें कोई नोटिफिकेशन जारी करिए। वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अक्सर किया जाता रहा है। अतिक्रमणकारियों को जो 0 से 15 किलोमीटर पे हमारे लाइन ऑफ एक्शन के 15 किलोमीटर तक जो चिन्हित हैं हमारे अतिक्रमणकारी, अक्सर उन पर कार्रवाई के लिए हमारी बैठकें होती रहती हैं। तो उनकी उसी में रेगुलर एक सर्वे था यहाँ पर, तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं कि आगे हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। निर्णय जो होगा हमारा उच्च अधिकारियों को पहुंचा रहे हैं, जो भी हमारे बैठक निर्णय लिए गए उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसा था, ये हमारे मेलाघाट क्षेत्र में वन मोहल्ला के नज़दीक SSB कैंप के नज़दीक कुछ लोगों के द्वारा एक मुर्गी फार्म लगाए जाने का प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, जिसका मतलब यहाँ पर मौके पर निरीक्षण किया। और हम देख रहे हैं कि एरिया में जो जितनी भी संरचनाएँ हैं वो अभी अवैध होती है वहाँ पर, और लगभग 2 तारीख को हमने वहाँ पर मीटिंग करी थी इसी माह, तो उसमें SSB, PWD, पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की उपस्थिति में मीटिंग हमने ली थी। तो उसमें हमने ये फैसला किया था, ये निर्णय हुआ था उसमें कि हम लोग सभी 15 दिनों के अंतर्गत इसके विषय में जितना भी अवैध अतिक्रमण इस क्षेत्र में है उसकी एक सूची प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे, और उसके बाद उस पर कार्रवाई आगे को जो उचित स्तर से दिशा निर्देश हमको मिलेंगे वो हम करेंगे। तो अभी हमारी जो ये कार्रवाई है जारी है।